अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। दोस्तों आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन चॉप्स फ्राई। मटन की चापे आज हम फ्राई करने जा रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती हैं। आप इसे एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। ये फटाफट से तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में और बहुत ही यमी बनती है। तो दोस्तों आइए बताते हैं हम इसे किस तरह से फ्राई करेंगे और इसे फ्राई करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस ईद उल अधा के मौके पर आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मटन की चापे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg मटन की चापे ले ली हैं। इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अगर आपके पास चापे अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मटन के होल मीट में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि मीट तो सेम ही है इसलिए टेस्ट भी सेम ही आएगा। मसालों में हमने यहाँ पर 1 tablespoon नमक लिया है, इसे मैं 2 जगह ऐड करूँगी। 1 teaspoon लिया है मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने यहाँ पर विनीगर लिया है। विनीगर की जगह आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 लेमन का आप जूस निकाल लीजिए। 1.5 tablespoon मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 teaspoon काली मिर्चों का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, 2 teaspoon मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर आप कम कर सकते हैं। 2 tablespoon मैंने यहाँ पर फ्रेश और गाढ़ा दही लिया है, 2.5 tablespoon मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 tablespoon मैंने भुना कुटा धनिया ले लिया है। धनिया को मैंने हल्का सा रोस्ट करके इसे हाथों से कूट लिया है, दरदरा दरदरा। चापों को फ्राई करने के लिए पहले हमें अपनी चापों को टेंडर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं मटन की चापे शिफ्ट कर दूंगी। इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1/2 नमक डाल देंगे, 1/2 हम इसमें मसाले में यूज़ करेंगे, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें तकरीबन 100 ml के करीब पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा आप इसमें पानी मत डालिएगा क्योंकि मटन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ड्राई करना पड़ जाएगा या फिर आपको वो ज़ाया करना पड़ेगा। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 से 4 प्रेशर लगा लेंगे ताकि मटन की चापे हमारी 90% तक कुक हो जाए। जब तक हमारी चापे टेंडर हो रही हैं हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके अंदर अपने सभी इन्ग्रीडियंट्स ऐड कर देंगे। दही, कॉर्नफ्लोर, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ धनिया और नमक जो हमने बचाया था, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1 peach रेड ऑरेंज फूड कलर। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और डाल देंगे विनीगर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप मसाले के अंदर नमक टेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तभी हमारी चापों के अंदर भी नमक परफेक्ट बैठेगा। तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 4 प्रेशर आ चुके हैं हमारे कुकर में और इसका प्रेशर हमने नेचुरली रिलीज होने दिया है। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत थोड़ा सा ही पानी हमारी चापों के अंदर बचा है, हम आपको चेक करा देते हैं। ये देखिए बोटी बहुत इजीली टूट रही है, 90-95% तक ये कुक हो चुकी है। अब इसमें जितना भी पानी है वो हम फ्लेम को ऑन करके ड्राई कर लेंगे क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। गैस को हमने ऑन कर दिया है, अब हम हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट करके इसे ठंडा कर लेंगे। चापों का पानी ड्राई करके हमने इसे बाहर निकाल लिया है ट्रे में। ये देखिए ये थोड़ा सा मसाला हमारा इसमें बच गया है तो ये हम अपने मेरीनेशन के मसाले के साथ ऐड कर देंगे। इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम अपने मेरीनेशन के मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। मसाला हमने मेरीनेशन के मसाले में डाल दिया है, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। मसाला हमारा तैयार है, उधर हमारी चापें भी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसे मसाले से अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। इसी तरीके से हम अपनी सभी चापों को अच्छे से कोट कर देंगे मसाले से।
मसालों को मैंने बहुत अच्छे से कोट कर दिया है चाकू के ऊपर। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी ताकि मसाले बोटियों के अंदर बहुत अच्छे से अब्जर्व हो जाएं। आप चाहें तो इसे हैंड टू हैंड भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आप फ्राई करना चाहें इसे तब आप फ्राई कर लीजिए। तो इसे हम शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो इसे आप शैलो फ्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे रेस्ट पर छोड़ रही हूँ 20 मिनट के लिए। चापों को रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, ये मसाले बहुत अच्छे से अब्जर्व हो गए हैं इसमें। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल को तेज़ गर्म करके इसका टेम्परेचर अब मैंने मीडियम कर लिया है। फ्लेम को इस वक्त मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे वेजिटेबल ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक एक करके चापों को शिफ्ट कर दूंगी। एक बार में जितने पीस हमारे अच्छे से कढ़ाई में अरेंज हो जाएंगे इतने ही हम फ्राई करेंगे। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्लिप कर देंगे। ये बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इनका आ गया है। अब हम इसे दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चापे हमारी दोनों तरफ से गोल्डन कलर की सिक चुकी हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे पेपर टॉवल पर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। देखिए कितनी शानदार तरीके से फ्राई हुई है हमारी। सेम ऐसे ही हम अपने सारी मटन की चापे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। सेकंड टाइम की चापे भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, तो इन्हें भी अब हम बाहर निकालेंगे पेपर टॉवल पर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में कितनी यमी लग रही हैं। तो आप इसे ईद उल अदा के मौके पर इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। ये लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी मटन चॉप्स फ्राई बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा यमी बना है, आप यकीन जानिएगा। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए। रेसिपी पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं फिर से हाज़िर होती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।